हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो का ताल्लुक ये है कि हम चिकन कढ़ाई आप लोग कैसे बना सकते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को वाइट कढ़ाई बनाना सिखाया था, वाइट कढ़ाई दिखाई थी कि हमारे घर में किस तरह वाइट कढ़ाई बनती है, और मेरी बहन कशफ ने वो वाइट कढ़ाई बनाई थी। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि चिकन कढ़ाई कैसे बनती है, जो कि रेसिपी है मेरी दूसरी बहन सिद्रा की। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ये रेसिपी है मेरी बहन सिद्रा की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो देखने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और रिंग द बेल आइकन सो यू नेवर मिस माय वीडियोस। चलते हैं किचन की तरफ और चिकन कढ़ाई सीखते हैं। चलते हैं किचन की तरफ सिद्रा के पास, देखते हैं वो हमें क्या सिखाती हैं। अच्छा सिद्रा, बताएं आप क्या कर रही हैं? टमाटर काट रही हूं। ओके, हाफ के जी टमाटर लिए और उसको काट कर लिए, चॉप कर लिए। देन कढ़ाई में तेल डाल के, ओके okay. कितनी चम्मच हिलाएंगे, आपका तेल गर्म होना चाहिए। अब उसके अंदर अदरक लहसुन डालें। हमारा तेल गर्म नहीं था, हमने डायरेक्ट डाल दिया, तो अब हम वेट कर रहे हैं। ओके okay. अदरक लहसुन डालेंगे, अच्छी तरह ही मिक्स होगा। लहसुन हमने डाल दिया, चिकन डालेंगे तकरीबन 1 किलो। ये 1 किलो चिकन है, 1 kg चिकन की आंच ये है, मीडियम आंच अच्छा, फुल आंच में आप इसको पकाएंगे। चिकन को वाइट होने तक पकाना, इसमें लग जाए और अदरक लहसुन नहीं भूलना है। हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्यों नहीं मर्जी। अच्छा, इसमें प्याज नहीं डलेगी, इसका ग्रेवी भी होगा लेकिन हम प्याज भी नहीं डालेंगे। प्याज से चिकन कढ़ाई में मुझे लगता है कि वो मीठा हो जाता है। ओके तो हम इसको भून रहे हैं, अच्छी तरह भूनना है इसको। देन ये पूरा मिक्स हो रहा है, अच्छी तरह हमने इसको भूनना है। वाइट हो रहा है, ये ऐसे वाइट होना है, इसको वाइट होना है। जब भी पानी होता है, जब तक वो खुश्क नहीं हो, आप कुछ भी ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है, सिवाय हल्दी के। दोबारा जब तक चिकन वाइट ना हो गया, इसको भूनते रहें। देखती हूँ हो रहा है इसका कलर चेंज। एक ये वाली है, इसका नहीं हुआ, और एक ये है, इसका हो गया। फील द डिफरेंस। इसको हम पकाने के लिए रखेंगे दूसरी साइड से। हो गया ये, और ये हो गया है। चम्मच हमने डाला है, चम्मच मर जाते हैं। हल्दी से क्या होता है? जरासीम। हल्दी से जरासीम मर जाता है, एंटीसेप्टिक होता है। और ये क्या डाला है? एक चम्मच डेढ़ चम्मच डाला है, डेढ़ चम्मच नमक डाला है, एक चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च, उसका भी डालेंगे क्योंकि हमें अभी और ही मसाला ऐड करना है। ठीक है, एक चम्मच हल्दी डाली है, एक डेढ़ चम्मच नमक डाला है, और एक चम्मच और क्या डाला है? लाल मिर्च। अब इसको मिक्स कर रही हैं ये। अच्छा, अब कितनी देर तक इसको करना है? 2 मिनट इसको भूनना है अच्छी तरह। आंच फुल कर दी है, हाई फ्लेम कर दी है इसकी, और इस 2 मिनट तक ये क्या कर रही है? भून रही है। इसका मसाला दिख रहा होगा, तेल जैसे ही ऊपर आने लगे, अच्छी तरह एक दफ़ा घुमा के सारी। हल्की आंच कर दिए, आंच देख लें अब इसकी। अब इसमें अब ये जो टमाटर चॉप किए थे,
चॉप किए थे वो डाल दिए इसमें, और इसकी आंच बिल्कुल स्लो है। अब इसको मिक्स कर लें, और कोई ऑप्शन तो है नहीं आप लोगों के पास। अब इसको ढक कर रख दिया, मीडियम से है ना। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, अब हम जो है वो 10 मिनट के बाद चेक करने आए कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या हुआ है? टमाटर ने अपना पानी छोड़ा है। इसके टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। अच्छा, हमने इसको फिर 10 मिनट के लिए ढक दिया है, और अब हम 10 मिनट के बाद दोबारा चक्कर लगाएंगे किचन में। और अब मैं बाहर जा रही हूँ फ्रेश एयर लेने। निकल दो। और बाहर क्या चल रहा है देखते हैं। आ जाओ। ये के बाद आए हैं, और उसके बाद हमने खोल के देखा है, तो बताएं दीदी बन गया है क्या ये? अभी इसका पानी खुश्क होगा, अभी हम इसमें ऑयल थोड़ा सा ऐड करेंगे और ओके, और इसका पानी खुश्क करेंगे थोड़ी तेज़ आंच पे। अभी मैंने स्लो करी है ताकि नीचे से लगे नहीं। इसमें हमने ऐड अप किया है 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, ओके, और मेरे घर का ही एक मसाला है वो मैंने भर के एक चम्मच डाला है। यू कैन सी इट, क्या है ये? हियर बोलते क्या हैं ये मसाला है, इसके अंदर नहीं डाल चुकी हूँ मैं, ये मसाला है ये, इसके अंदर आप बहुत सारी कटी हुई मिर्चें हैं इस मसाले के अंदर, बहुत सारी साबुत मिर्च लें, ज़ीरा लें, और हरा धनिया के साबुत धनिया। दोबारा क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर साबुत धनिया है, ज़ीरा है, और गोल वाली मिर्चें इसके अंदर। इन सबको भून के फिर उनको पीस के मैंने ये बनाया है। ये पकौड़ों में स्पेशली बहुत अच्छा टेस्ट देता है। As you can see, my dish is almost ready. तेल ऊपर आ चुका है, अब हम इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करेंगे। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया क्योंकि बन चुकी है, मुझे रखनी है ज़्यादा ग्रेवी तो मैंने उस लिहाज से बनानी है। जिसको कम रखनी है, जिसको ज़्यादा रखनी हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, यू कैन टेस्ट इट। As you all can see this, और अच्छा दिखाने के लिए आप इसमें हरी मिर्च डाल दें, गार्निश करने के लिए इसमें हरी मिर्च डाल दें, एंड इट्स रेडी। तो ये थी आज की वीडियो, होप आप सबको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मुझसे शेयर करेगा कि आप लोग ने चिकन कढ़ाई अगर ट्राई की है तो कैसी बनी है, और आप लोग और क्या ट्राई करना चाहते हैं। और मैंने व्लॉग भी बनाए हैं, व्लॉग भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं जो मैं पोस्ट करूँगी बहुत जल्द। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर से बाहर मत निकलें, अगर निकलें तो एहतियात के साथ निकलें. होप यू आर फाइन एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.